नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना को लेकर जो है हिसार के बस स्टैंड के वर्कशॉप से आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा के बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना यानी कि हैप्पी कार्ड की स्कीम का लाभ लेने के लिए। आपको बता दें, हैप्पी कार्ड स्कीम जो है 1000 किलोमीटर आप फ्री यात्रा कर सकते हैं एक साल के लिए, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा से बहुत क्षेत्रों से जो है लोग हिसार बस स्टैंड के वर्कशॉप पर पहुंचे। और आपको बता दें कि ये लंबी लाइनें जो है लगातार, ये जो लोग वेट कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार 5 दिनों से इसी तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन की आचार संहिता के बाद से जो है ये कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको लेकर आज आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए इंतजार करते हुए देख पा रहे हैं, ये इस हैप्पी कार्ड की स्कीम का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर कार्ड बनवा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इस अंत्योदय योजना के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा अपने फैमिली के आधार कार्ड। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सालाना 1,80,000 से कम इनकम है, उन सभी परिवार के लिए ये 1,000 फ्री यात्रा जहां रोडवेज की बसों पे पूरे एक साल के अंदर उनको मिलने वाली है, जिसको लेकर जो है पहले आपको आवेदन करना होगा अपने, यानी कि दस्तावेज जमा करवाने होंगे, और उसके बाद जो है आपका कार्ड मिलेगा और कार्ड को फिर आपको एक्टिवेट करवाना होगा। लेकिन ऐसे में लोगों का ये मानना है कि इस तरीके से जो है उनको काफी दिन हो गए, 5 दिनों से लगातार आप देख सकते हैं कि जैसे ही मौके पर जो है खाना खाने के बाद टीम पहुंचती है तो लगातार लंबी लाइनें जो है शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से अभी तक मैं बात करूं 6,000 के करीब लगभग जो है ये कार्ड बन चुके हैं, लेकिन लोग जो है काफी परेशान भी हुए, क्योंकि पहले जो है हिसार बस स्टैंड के रूम नंबर 16 पर ये जो है आवेदन किया जाता था, लेकिन अब जो है सुविधा को देखते हुए क्योंकि लोग काफी परेशान हुए, हिसार के वर्कशॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सारा काम शुरू हो गया। दस्तावेज भी आपको यहीं पर सबमिट करवाने हैं, उसके बाद अगर आपको एक्टिवेट करवाना है कार्ड तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इस हैप्पी कार्ड से क्या लोग हैप्पी हैं या नहीं, तो चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि वो इस कार्ड को, इस योजना को लेकर खुश हैं या नहीं। सर, हैप्पी कार्ड की स्कीम से आप लोग हैप्पी हैं या नहीं? बिल्कुल ही नहीं मैम। पर आप तो लाइनों में लगे हुए हैं फायदा उठाने। 5 दिन हो गया तो इतना तो हमारा किराया वैसे लग गया, 50-60 किलोमीटर से आने लग रहे हैं, क्या फायदा इसे हैप्पी कार्ड का? इससे अच्छा तो बाई हैंड घर नहीं भेज देते, वहाँ कटवा लेते हम। आधार कार्ड भी पहुँचता हमारा, सारा ऑल टोटली सिस्टम पहुँचता है, वाया CSC सेंटर से करवा देते, यहाँ हमारे चक्कर कटवा रखे है। 5 दिन से लगातार? हाँ जी, 5 दिन से आने लग रहा है। अच्छा, काम होता है या नहीं तेजी से, या फिर ऐसे लाइन के बाद ये कह देंगे हमारी छुट्टी होगी? अच्छा, 2 बजे बंद हो जाता है ये? सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे 10 बजे खुलता है ये मैम, उसके बाद ये 1 बजे लंच हो जाता है, अब ये 2 बजे खुलेगा, 6 बजे फिर छुट्टी। सर, आप हैप्पी हैं इस कार्ड की स्कीम से? जी, हैप्पी हैं इस कार्ड की स्कीम से? हाँ जी, हाँ जी। आप इस स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है, स्कीम कैसी है? मैम, स्कीम तो फिलहाल ठीक है। फिलहाल 1,000 किलोमीटर आप फ्री जो है यात्रा कर सकते हैं? हाँ, फ्री कर सकते हैं। फिलहाल खुश तो है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा गड़बड़ सिस्टम है यहाँ पर, अभी मतलब इतनी जल्दी वहाँ मिलता नहीं है। अब मुझे 2 दिन हो गया अभी आते हुए दिल्ली, लेकिन अभी भी तक 1 घंटे में 1 या 1.5 घंटा बंदा निकलता है, 1-1.5 घंटे के अंदर एक ही बंदा निकलता है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आपके पास? हाँ मैम, कार्ड है। कार्ड दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए सर। पहले तो मुझे ये बताइए कितना टाइम लगा इसको भरवाने में और कब आया ये कार्ड? ये 3 महीने में आया। कम से कम मैम 2-3 महीने तो हो गया। पहले आपने ये कार्ड के लिए अप्लाई किया था मैम? हाँ जी। आपको दिखा दीजिए, दिखा देते हैं लाइव तस्वीरों में, ये कार्ड इस तरीके से बनकर आता है, फिर इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। हाँ जी। अब आप एक्टिवेट की लाइन में लगे हुए? 5 दिन हो गए आज हमारे। 5 दिन से आ रहे हैं। स्कीम को लेकर क्या राय है आपकी? स्कीम तो बढ़िया है, पर परेशान किया जा रहा बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद तो आप फायदा ही फायदा उठाएंगे जिस दिन स्कीम मिल गई। हाँ जी, फिर तो खुश होता है। है अगर जब उसी हाथ का तो भी कर सकते हैं, जब दिया था इतने दो रूट निकालेंगे हरिद्वार के, इतने ऊपर हो सकता 1,000 किलोमीटर जो मतलब स्टडी करता है ना, से तो कुछ सही है। बिल्कुल स्टडी करता ना डेली रूटीन में, वो उसके ठीक है, फिलहाल बेनिफिट है। इसके बाद खत्म होने बाद फिर रिन्यू कराओ, यदि कोई स्कीम है तो, वरना फिर चार्ज लगेगा। भाई मैं आपको
आपको बता दूं इस स्कीम को एक्टिवेट करवाने के लिए वैसे तो फीस जो है 180 रुपए है, लेकिन लोगों को ये मुफ्त ना लगे, लोगों को ये ऐसा ना लगे कि एहसान कर रही है सरकार, तो उन्होंने जो है इसकी जो इसका रेट जो है 50 रुपए फिक्स कर दिया गया है। यानी आप जितने भी जो है कार्ड बनवाएंगे आपको 50 रुपए की स्लिप वगैरह कटवानी पड़ेगी, उसके बाद ये जो आपका कार्ड एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद ही रोडवेज की बसेज इसको स्कैन करेगी और उसमें आपका जो है जितने किलोमीटर्स आप सफर कर लेंगे वो काउंट होता जाएगा और आपको एक 0 रुपए की स्लिप मिल जाएगी। यानी कि आपका आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक टिकट मिल जाएगी जिस पर 0 रुपए लिखा होगा। तो आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी भी जो है सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, आप भी इस तरीके से इस आर के वर्कशॉप में आ सकते हैं जहाँ पर आपका कार्ड बन सकता है, उसके बाद एक्टिवेट होगा। लेकिन आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लगभग 84 लाख लोगों को स्कीम का फायदा होने वाला है, तो ऐसे में भीड़ तो लाजमी है। और आप फिलहाल लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग 4-4, 5-5 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी स्कीम बनेगी। और वही बात की जाए तो लोग जो है काफी खुश भी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। देखते रहे आधार न्यूज सराना। नमस्कार।